हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको सीट किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से बिगनर्स को कार में बैठने के बाद अपनी सीट प्रॉपरली कंफर्टेबल जोन में एडजस्ट कैसे करना चाहिए, उस बारे में ये वीडियो करने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। आपको सीट एडजस्टमेंट डिफरेंट तरीके से होती है, डिफरेंट वे से होती है। नॉट ओनली बैक रेस्ट, आपका सीट की हाइट और कितना क्लच से या अपने ब्रेक पैडल से या फिर आपके जो फुट मूवमेंट है उससे कितनी दूरी रखनी है, डिस्टेंस रखना है आपने अपनी सीट की एडजस्टमेंट की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये कवर करूंगा कि किस तरह से हमारा सीट का एडजस्टमेंट होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे जो बैक रेस्ट होता है उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, हमारा जो लेग होगा लेग में हम कितनी डिस्टेंस रखेंगे उसका एडजस्टमेंट होगा, हेड रेस्ट कैसा होना चाहिए उसका भी एग्जैक्टली, जो हमें एडजस्टमेंट कैसे रखना चाहिए जिससे हम कंफर्टेबल ड्राइव कर सके। सपोज हम 1 घंटा भी अगर ड्राइव करेंगे, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है या हम यू नो रॉन्ग पोस्चर में बैठे हैं, तो उससे हमारे पेन आ सकता है, यहाँ नेक में पेन आएगा, पीछे की साइड में बैक में पेन आएगा। तो ये आपके अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आपका पेन बहुत ज़्यादा एक्यूट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कम्प्लीटली इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और कंफर्टेबल कैसा जोन ढूंढते हैं जिससे आपकी सीट प्रॉपर एडजस्ट हो, आपको कंफर्टेबल कौन से पोजीशन पे होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पूरी देखें फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो एडजस्ट करते हैं हमारी सीट यहाँ से आगे या पीछे की तरफ किस तरह से एडजस्ट करते हैं, हम कार में बैठने के बाद हमारा डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर कैसा कैसा होना चाहिए, हम आगे इतना आगे बैठे कि हमारा प्रॉब्लम हो हमारे का स्टीयरिंग टर्न करने में, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सीट का अरेंजमेंट बताने वाला हूँ, सीट का एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ, कितनी आगे रखनी चाहिए या कितनी पीछे रखनी चाहिए हमारे फुट से, हमारा फुट किस तरफ किस पोजिशन में होना चाहिए जो कम्फर्टेबल जोन हो। तो अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि हमारा फुट कैसा होना चाहिए। अभी मैं अगर सीट को कम्प्लीटली पीछे करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, ये कम्प्लीटली पीछे करता हूँ और मेरा फुट अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लिप में कि फुट मेरा कितना डिस्टेंस में है, मैं क्लच दबाऊंगा तो कितनी मेरी लेग का प्रेशर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखिए मेरा फुट का मूवमेंट का, अगर मैं ये क्लच प्रेस करता हूँ तो मेरा नी देखिए आप कितना स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रेशराइज फील हो रहा है। ये देखिए ये सीट का आप देखिएगा एडजस्टमेंट, तो सीट का जो है ये चीज जो है प्रेस हो रही है और मेरा फुट जो है एकदम स्ट्रेट अंदर की तरफ चला गया, क्लच मैंने जब प्रेस किया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरे यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है, मुझे मेरे जो नी है नी में प्रेशर फील हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा ये जो पीछे की तरफ मैंने किया है, यहाँ से एडजस्ट करके ये पुल करके पीछे की तरफ किया है, ये जो पोजीशन है एग्जैक्ट ये जो पोजीशन है रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मेरा फुट ये स्ट्रेट हो जा रहा है, ऑलमोस्ट मेरा नी जो है ये कम्प्लीटली स्ट्रेट हो जा रहा है, और मेरे यहाँ पे आप सीट में देखिएगा तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, यहाँ देखिए बल्जी पार्ट हो गया है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हमारे थोड़ा सा कंफर्ट जोन होना चाहिए थाइज में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप सीट में जैसे ही बैठे हैं तो सबसे पहले आप क्लच प्रेस कर लें, उसके अकॉर्डिंग अभी मैं आपको दिखाता हूँ सीट को एडजस्ट कैसे करना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप बैठ जाते हैं अपनी सीट में, तो आपने क्या करना है, क्लच को प्रेस करके कोई एक चीज़ को, जैसे आप राइट हैंड को या लेफ्ट हैंड को स्टेयरिंग या जो भी चीज़ है होल्ड कर लें अच्छे से, जिससे कि आपकी आगे पीछे कर सकें आप इसको होल्ड करके। तो ये होल्ड करने के बाद अभी मैं इसको पुल कर रहा हूँ, ये देखिए ये मैं पुल करूँगा, कितना पुल करूँगा ताकि मेरी सीट में आगे और पीछे कर सकूँ, और फिर क्लच मेरा प्रेस है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा इसको एडजस्ट कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। ये जो मेरा फुट मूवमेंट है, फुट में जैसे मैं प्रेस करके रखा हूँ, मेरी थाइस का जो है थाइस का पोजिशन ऐसा होना चाहिए कि सीट के साथ नीचे टच होनी चाहिए, प्रॉपरली टच होनी चाहिए। अगर मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी थाइज जो है टच होनी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नीचे की तरफ भी नहीं हो और मेरी थाइज इतनी ऊपर भी नहीं हो। अगर मैं क्लच प्रेस करूँ, अगर ये देखिए आप सीट एकदम आगे कर लेता हूँ मैं और क्लच प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ गैप है, बीच में गैप है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा थाइज जो है प्रॉपरली जो है सीट में प्रॉपरली सेटल होना चाहिए और ना ही इतना आगे हो, ये देखिए मेरा नीज जो है यहाँ टच हो रहा है, तो ये चीज़ भी नहीं हो कि सीट आप इतनी आगे कर लें। तो आपने सीट एडजस्ट इस हिसाब से करनी है कि आपका जो थाई है, तो आपने सीट ऐसी एडजस्ट करनी है क्लच प्रेस करने के बाद आपकी थाई जो है प्रॉपरली सीट में रेस्ट कर सके। तो इसके बाद अगर आप ये जो सीट का एडजस्टमेंट आगे और पीछे का अगर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद आता है फ्रेंड्स बैक रेस्ट का एडजस्टमेंट। बैक रेस्ट में एडजस्टमेंट इस तरह से करते हैं कि फ्रेंड्स अगर हम एकदम आगे करके रखेंगे इस तरह से,
मेरा आर्म्स देखिए अगर इतना फोल्ड रहेगा और मैं स्टीयरिंग को टर्न करूंगा तो मेरे एल्बो देखिए आप किस तरह से जा रहे हैं, ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो इसके पोजीशन अगर आप अभी मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ, ये स्विच दिखाता हूँ सबसे पहले कहाँ से एडजस्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो लीवर है, ये देखिए जो लीवर है, ये लीवर अगर मैं पुल करता हूँ और एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे अपना शोल्डर या बैक प्रेस नहीं करता हूँ तो इसको मैं पुल करूंगा तो मेरी सीट देखिए आगे की तरफ आ गई है। तो ये जितनी आगे मैं करना चाहूंगा उस हिसाब से मैं अपनी आगे सीट कर सकता हूँ, लेकिन ये एकदम आगे आ गई है। ये लीवर एक है, इससे हम पुल कर सकते हैं। ये होंडा सिटी है, इसमें ये लीवर है जिससे हम बैक रेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, और ये हाइट का लीवर है जिससे हम अपनी सीट की, ये वाली सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी हाइट होनी चाहिए ऊपर या नीचे की तरफ। तो अभी देखिए फ्रेंड्स मेरा पोजीशन, मैंने ये जो आपको लीवर दिखाया था जिससे मैं ये बैक रेस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ, तो उससे मैंने फुल करके ये देखिए कम्प्लीटली आगे कर लिया है। अगर मैं इस पोजिशन पे रखता हूँ, कम्प्लीट आगे करके रखता हूँ, ये देखिए ये इस पोजीशन, ये कम से कम ये सबसे आगे है, अगर इस पोजीशन में रखता हूँ तो मेरे आर्म्स देखिए आप कितने फोल्ड हैं। ये आर्म्स अगर फोल्ड होंगे और मैं स्टीयरिंग टर्न करूंगा तो मेरा मतलब आप रिस्ट देखिए और साथ में मेरे आर्म्स देखिए किस तरह से, मेरे को जो कंफर्ट जोन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये चीज कंफर्ट जोन करने के लिए आपने क्या करना है, मेजरमेंट प्रॉपर क्या होना चाहिए। जैसे नीचे का आपने एडजस्टमेंट किया था फुट से, जो क्लच प्रेस करके आपको बताया था मैंने सीट का एडजस्टमेंट आगे और पीछे कितनी होनी चाहिए, अभी मैं आपको बताऊंगा आपका बैक रेस्ट कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने आर्म्स को स्ट्रेट कर लें, और ये जो रिस्ट का, ये आपके रिस्ट का ये वाला पार्ट जो है इसको यहाँ टच करें इस तरह से। अगर आप स्टेयरिंग व्हील को स्ट्रेट रखते हैं और यहाँ पे पॉइंट पे एकदम ऊपर पॉइंट पे अगर ये चीज रखते हैं तो इसको रिस्ट का ये पार्ट अगर आप कनेक्ट करके रखते हैं, आपका आर्म्स जो है, ये मेरा शोल्डर अभी ये देखिए ये फोल्ड है, इतना फोल्ड नहीं होना चाहिए आपका, होना चाहिए कितना फोल्ड मैं बता रहा हूँ, इतना फोल्ड होना चाहिए, मतलब मेरे को स्टेयरिंग यहाँ यहाँ टच होना चाहिए। तो मेरे को बैक रेस्ट को प्रॉपर वे से एडजस्ट करना होगा। तो स्टेयरिंग अगर मैं यहाँ टच करता हूँ रिस्ट को और मेरा आर्म्स देखिए इस तरह से फोल्ड है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रिस्ट में अगर ये वाला भी कनेक्ट करके रखता हूँ तो मेरा आर्म्स देखिए ऐसे फोल्डेड है, तो मैं जो मेरी सीट का ये जो बैक रेस्ट है, ये बैक रेस्ट को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ से लीवर को प्रेस करूंगा, पीछे की तरफ लेके जाऊंगा अपनी सीट। ये देखिए ये आर्म्स मेरा जो एकदम स्ट्रेट होता है वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फोल्ड होना चाहिए। अभी आप देखिए मेरा राइट हैंड की तरफ देखिए, अब आप मेरा राइट हैंड देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं रिस्ट कनेक्ट करता हूँ और आर्म्स अगर मैं स्ट्रेट करता हूँ तो देखिए रिस्ट आगे की तरफ है, थोड़ा सा टिल्ट रखूंगा और इसको कनेक्ट करूंगा तो ये जो पोजिशन है, ये मेरा ये जो चीज है, ये देखिए आप एल्बो थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए, अगर ऐसे टिल्टेड है, हल्का सा भी टिल्टेड है तो आपका जो है बैक रेस्ट प्रॉपर पोजिशन पे है, आपके स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर रहेंगे, आपको जो बैक का पेन है वो नहीं होगा। अगर यही चीज आगे की तरफ होगी या बहुत पीछे होगी, अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ एकदम पीछे करके, अगर मैं इसको एकदम पीछे कर लूंगा तो मेरे को ड्राइव करते समय, अभी आप देखिए कितना पीछे है, तो मेरे को ड्राइव करते समय आगे की तरफ होना पड़ेगा, और मेरा सिटिंग पोजीशन देखिए मेरे को बैक रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड के एंड पार्ट से सपोर्ट दे के रखा हूँ। तो फ्रेंड्स इस पोजीशन में प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए आप मैं कैसे बैठा हूँ, मेरी आर्म्स जो है ये देखिए एकदम कम्प्लीटली स्ट्रेट हो गए हैं, तो मेरे को ड्राइविंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों, रीजन इज कि मैं जब टर्न करूंगा तो मेरे शोल्डर भी मूव होंगे, तो इसमें क्या है मेरे को प्रॉपर ग्रिप भी नहीं आएगी। तो मेरा जो एडजस्टमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जो मैंने बताया आपको रिस्ट आप एकदम कनेक्ट करेंगे, तो ये देखिए मेरे को रिस्ट अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को आगे की तरफ होना पड़ रहा है, तो ये बेसिकली टर्न जब करूंगा तो मेरे को मूवमेंट में मेरा शोल्डर के साथ मेरी बॉडी भी पूरी मूव होगी। तो इसमें एडजस्टमेंट जैसे मैंने आपको कहा, रिस्ट को अगर यहाँ कनेक्ट करते हैं तो मेरे को इतना फोल्ड होना चाहिए मेरा आर्म्स, और मेरा बैक रेस्ट देखिए अभी कितना पीछे है, इसको मेरे को आगे की तरफ लेना पड़ेगा। तो मैं ये देखिए आगे की तरफ ले रहा हूँ, पहले तो ये मैंने आगे ले लिया, अब मैं एडजस्ट करूंगा तो ये देखिए अभी थोड़ा सा और आगे हो गया है। अब मैं अपनी सिटिंग पोजीशन जो है प्रॉपरली एडजस्ट करूंगा, ये देखिए रिस्ट मैंने कनेक्ट किया है स्टीयरिंग से, और अगर मैं होल्ड करूंगा तो भी आप देखिए ये टिल्ट थोड़ा सा होना चाहिए। अभी प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं अपनी 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 हाइट के हिसाब से। तो अभी देखिए प्रॉपर मेरा जो बैक रेस्ट है प्रॉपर एडजस्ट हो चुका है, इससे मेरे को टर्निंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए सिर्फ आर्म मूव हो रहा है, मेरा शोल्डर या मेरा बैक इस तरह से मेरे को मूव नहीं करना पड़ रहा है। तो ये पोजीशन होती है बेस्ट जो बैक रेस्ट के लिए है, और हेड रेस्ट ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स, आप देखिए ये अप और डाउन दोनों हो सकता है यहाँ के पोजीशन से, जिसको मैं अप कर सकता हूँ, यहाँ पे लीवर है एक, ये प्रेस करके ऊपर की तरफ पुल कर सकता हूँ। ये देखिए ये एडजस्टमेंट होता है हेड का, हेड का एडजस्टमेंट इस तरह से करना चाहिए कि आपका ये पार्ट जो है ये आपके मिडिल पार्ट में टच हो सके। आप ये देखिए अभी जो है मेरा ऊपर की तरफ हो गया है थोड़ा सा, तो इसमें क्या होता है कि आप
हेड अगर पीछे करेंगे तो बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है, और मेरे को थोड़ा सा नीचे अगर मैं करता हूँ, यहाँ से एडजस्ट करेंगे इसको, थोड़ा सा मैं प्रेस करके अंदर की तरफ कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने तो थोड़ा सा अंदर की तरफ किया है। अभी देखिए मेरा बैक, ये जो हेड है, हेड का एंड पार्ट है, ये जो नेक का एंड पार्ट है, ये मेरा यहाँ से टच होना चाहिए। ये अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ या एक्सीलेटर प्रेस करता हूँ तो मेरा बैक रेस्ट, ये देखिए मेरा बैक रेस्ट में मेरा बैक प्रॉपर, ये जो बैक है प्रॉपरली कनेक्ट हो रखा है, टच हो रहा है। और मेरा हेड अगर पीछे की तरफ जाता है तो मेरे को यहाँ हिट होना चाहिए मिडिल पार्ट में। तो बहुत सारी सीट होती है जिसमें इस तरह से एंगल बना होता है जिसमें कि आपका हेड अगर पीछे जाए तो उसमें स्टिक हो जाता है। तो आपको वो चीज़ एडजस्ट करनी होगी अपने हाइट के अकॉर्डिंग, ताकि आपका हेडरेस्ट जो है, आपका हेड प्रॉपर उस जगह में जाके हिट हो और आपकी जो नेक है स्ट्रेट रहे। ऐसा नहीं हो कि इस तरह से हो जाए या इस तरह से ऐसे हिट हो। तो आपने स्ट्रेट अगर रखेंगे तो प्रॉपरली आपको कंफर्ट जोन आएगा उसमें। तो हमारा हेड एडजस्टमेंट इस तरह से होना चाहिए फ्रेंड्स। अब आते हैं हाइट एडजस्टमेंट पे। आपको लीवर जो मैंने दिखाया था सीट की हाइट को ऊपर और नीचे करने के लिए, उसको कैसे एडजस्ट करें या कितनी हाइट रखें। तो फ्रेंड्स हाइट एडजस्टमेंट के लिए, अगर मैं लीवर को ऊपर की तरफ पंप करता हूँ तो मेरी हाइट जो है ऊपर, ये देखिए ऊपर की तरफ होते जा रही है। अभी मैं एकदम कम्प्लीटली ऊपर कर देता हूँ। ये हाइट में अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो आप इस हाइट में कर सकते हैं, लेकिन इसको एडजस्ट करने के बाद आपको फुट का भी एडजस्टमेंट करना होगा। नहीं तो क्या होगा, आपका जो लेग का एडजस्टमेंट आपने पहले किया है, आपने फुट का एडजस्टमेंट पहले किया है, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि सीट अप करने से क्या होता है, थोड़ी सी आगे की तरफ जाती है। तो मेरे को नीचे से जो मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट किया था सीट को आगे और पीछे करने का, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा अगर मैं हाइट एडजस्ट करता हूँ तो। और ऐसा है कि हाइट एडजस्टमेंट इस हिसाब से करना चाहिए, सबसे पहले तो आपने अपनी जो अपर बॉडी है वो ऊपर टच तो नहीं हो रही है, उसको देखना है। और इनफैक्ट इतना डिस्टेंस रखना है, कम से कम 4 टू 6 इंच का डिफरेंस होना चाहिए आपकी सीलिंग और आपके हेड पे। क्योंकि अगर कोई बम्प आता है या कुछ होता है, आप अगर हल्के से भी जंप करेंगे तो आप ऊपर सीलिंग में हिट ना करें। इस चीज का ध्यान रखने के लिए आपने हाइट उस हिसाब से भी एडजस्ट करनी है, पहली चीज। दूसरा आपने ये चीज देखना है, अगर देखिए मैं स्ट्रेट देखता हूँ और मेरा नोज जो है, नोज इस जो एंगल है आगे मेरा डैशबोर्ड या स्टीयरिंग जो भी चीज है सबसे हाइट वाला, उसके ऊपर होना चाहिए जस्ट, या तो कनेक्ट होना चाहिए। मतलब जो ये चीज है, ये देखिए इतना एंगल, ये बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, क्योंकि ये जो हाइट है ये एग्जैक्टली मेरे चिन से भी नीचे है। तो मेरे को अपने सीट को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना होगा। अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, जस्ट लर्निंग सीख रहे हैं, तो आप मतलब हाइट को ज्यादा रख सकते हैं, ताकि आपको आगे का क्लियर व्यू विजिबिलिटी चाहिए होगी, हो सकता है तो आप हाइट आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ समय हो चुका चलाते हुए, तो आपको सही मतलब जो बेस्ट वे है जो एडजस्ट करनी होती है हाइट को, सीट की हाइट को, उसमें आपने क्या करना है, ये देखिए मैं नीचे किए जा रहा हूँ अभी फिलहाल। मैं यूजली क्या करता हूँ, सबसे लो में रखता हूँ अपनी हाइट का, सीट की हाइट को। अब ये देखिए मैंने कम्प्लीटली डाउन कर ली है। मेरा नोज है, आप देखिए अगर ये नोज की हाइट देखेंगे, नोज की हाइट से लेवल अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे ये स्टेयरिंग या फिर डैशबोर्ड जो भी हाइट वाली चीज ज्यादा होगी, जब सबसे ज्यादा जिसकी हाइट होगी उससे जस्ट ऊपर मेरा नोज होना चाहिए, नोज उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस, अगर बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा, सपोज मैं इस तरह से बैठा हूँ, बहुत नीचे हो गया है, तो मेरे स्टेयरिंग से बाहर के तरफ का व्यू मेरे को प्रॉपर नहीं आएगा। इनफैक्ट ऐसा होगा कि जस्ट आगे कुछ होगा तो मेरे को नहीं दिखेगा। तो ये एडजस्टमेंट आपने इस तरह से करना है, मैं सिटिंग पोजिशन ठीक कर लेता हूँ। ये इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि आपका नोज अगर आप स्ट्रेटली देख, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका स्टेयरिंग व्हील या डैशबोर्ड से आपसे उन दोनों चीजों से ऊंचा होना चाहिए आपका नोज। और मैं अभी कंप्लीटली डाउन में एडजस्ट कर रखा हूँ, अगर मैं ऊपर रखता हूँ तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे को डैशबोर्ड का स्टेयरिंग का एडजस्टमेंट भी ऐसा करना चाहिए। अगर मैं सीट एडजस्ट कर रहा हूँ तो मेरा स्टेयरिंग का एडजस्टमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि डैशबोर्ड की चीजें मेरे को सही दिखनी चाहिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मेरा सेटिंग पोजिशन जो हाइट एडजस्ट की है, और मेरा व्यू कैसा आएगा स्टेयरिंग के साथ डैशबोर्ड का। ये देखिए फ्रेंड, ये एग्जैक्टली मेरे आई आई व्यू से है, तो ये स्टेयरिंग के बीच में से मेरे को डैशबोर्ड की सारी चीजें दिख रही है। अगर आप देखें टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और फ्यूल पंप का, और जो भी रीडिंग्स है एमआईडीज वगैरह, प्रॉपर पूरी दिख रही है। स्टेयरिंग में भी कंट्रोल्स मेरे को सही दिख रहे हैं। आगे का नोज कैप जैसे मैंने हाइट का बताया आपको, इससे मेरे नोज ऊपर होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, मेरा विजिबिलिटी ऐसे इस तरह से नीचे की तरफ सही होता है। और अगर मैं इसको मैं नीचे कर रखा हूँ, जैसे मैं फुल नीचे किया हुआ हूँ, अभी मैं यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखिए पंपिंग अप कर रहा हूँ, ये मैं पंप अप करते जाता हूँ। अगर मैं ये देखिए कंप्लीटली ऊपर की तरफ कर लिया है मैंने इसको,
ये मैं अपनी सीट का एडजस्टमेंट कंप्लीट ऊपर कर लिया है, फुल ऊपर हो गया। यहाँ से मेरा फुट भी आप देखिए टच हो रहा है इस पे, और मैं पैडल अगर प्रेस करता हूँ, ये देखिए क्लच पैडल मैंने प्रेस किया है, तो मेरा लेग का फुट, जो फुट का मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा मेरे को। यहाँ पे इस जगह में हिट होने के, मतलब हिट हो रहा है इनफैक्ट अभी भी। अब ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इस हाइट से नोज के, अपनी हाइट के लगा रहा हूँ, तो आप मेरा डैशबोर्ड में देखिएगा फ्रेंड्स, डैशबोर्ड का ये देखिए, ये चीज से नीचे मेरा स्टेयरिंग से नीचे चला गया है, मेरे को व्यू नहीं आ रहा है। तो अगर मैं सीट एडजस्ट करता हूँ, सीट एडजस्ट करने के बाद मेरे को स्टेयरिंग का भी एडजस्टमेंट करना होगा, वो है यहाँ से। यहाँ देखिए ये ब्लैक कलर का यहाँ पे एक है, ये इस साइड से मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं अगर पुल करता हूँ, ये देखिए ये खुल गया है। अब मेरा स्टेयरिंग देखिए, अब मैं स्टेयरिंग को ये देखिए नीचे कर लिया हूँ, मैं ऊपर भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर इस हाइट पे एडजस्ट करता हूँ, तो मेरे को स्टेयरिंग को भी ऊपर की तरफ करके फिर नीचे से मैं इसको लॉक कर लूंगा। ये ध्यान रहे, जब भी आप लॉक करें स्टेयरिंग को एडजस्ट कर लें, स्टेयरिंग पे ज्यादा प्रेशर करके लॉक नहीं करें। स्टेयरिंग को एडजस्ट कर लिया फिर आप नीचे वाला ये जो चीज है इसको लॉक कर सकते हैं। तो आप इसको एडजस्ट तभी करें जब आप सीट को एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी हाइट को एडजस्ट कर रहे हैं। अभी मैं वापिस से स्टेयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और अपनी सीट को भी एडजस्ट कर लेता हूँ प्रॉपर नीचे की तरफ। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से है कि ये अगर मैं इसको ओपन करके एडजस्ट करना चाहूँ सीट को ऊपर और नीचे, इसमें आगे और पीछे भी एडजस्टमेंट होता है। शायद मेरी कार में नहीं है, तो आई मीन मेरी कार में वो चीज़ नहीं है, नहीं तो ये चीज़ आगे की तरफ मैं पुल करके भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपने, मतलब आगे कितना रखना चाहता हूँ, पीछे कितना रखना चाहता हूँ। तो ये डिफरेंट तरीके से स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट भी होती है। अभी मैं प्रॉपर अपना एडजस्टमेंट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स अभी मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ अपनी, पहले सीट एडजस्ट करता हूँ हाइट, पहले सीट की हाइट पहले पूरी तरह से पम्प डाउन कर देता हूँ मैं। अब जो है मेरे को प्रॉपर मेरे आई व्यू के हिसाब से और नोज के हाइट के हिसाब से मेरा स्टेयरिंग अभी प्रॉपर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ध्यान रहे जब भी आप एडजस्ट करें, ये देखिए ऊपर और नीचे, जब भी आप एडजस्ट करें इसको, इसको नीचे से जब हाथ छोड़ देंगे आप, नीचे से इसको लॉक जरूर करें, नहीं तो, और ये चीज जब भी एडजस्टमेंट करें कार आपकी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अगर गियर लग जाएगा तो कार इधर उधर जाएगी, आपका स्टेयरिंग कंट्रोल नहीं आएगा, और चलाते समय स्टेयरिंग को कभी भी एडजस्ट नहीं करें। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं सीट एडजस्ट कर सकते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सीट एडजस्टमेंट आप कार स्टार्ट करने से पहले करें या कार कंप्लीटली स्टॉप करें कोई एक जगह में कार लगाने के बाद सीट एडजस्ट या स्टीयरिंग एडजस्टमेंट करें। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सारे सीट के एडजस्टमेंट या सिटिंग पोस्चर के एडजस्टमेंट, जिससे आपको कंफर्टेबली ड्राइव, आप लॉन्ग ड्राइव करें चाहे शॉर्ट ड्राइव करें, आपको पेन नहीं आएगा इसमें, ना आपके फुट में पेन आएगा, ना ही आपके बैक में पेन आएगा, ना ही आपके आर्म्स या शोल्डर में पेन आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर प्रेस कर दें फ्रेंड्स, और आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।